हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन का साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन लेके आया हूं मंडे के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और जो भी ट्रेडर्स हैं, जिनको भी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम में अगर ऐड होना है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप डीमैट अकाउंट ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जिससे वहाँ पर लॉन्ग टर्म के शेयर और इंट्राडे की कुछ खास टिप्स हैं वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप लोगों को मार्केट अपडेट दे देता हूँ। लास्ट फ्राइडे जिस प्रकार से मार्केट का मोमेंटम रहा, काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा। जो 9200 का लेवल दिख रहा था एक रजिस्टेंट, वो अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। 38 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे और 12 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो नेगेटिव थे। जो आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ रही थी 10 बजे से पहले, काफ़ी फाइनेंस सेक्टर में मोमेंटम हुआ। जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई, देन उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, तो काफ़ी मोमेंटम भरा रहा था, ठीक है। मेटल सेक्टर में भी काफ़ी मोमेंटम रहा, जिसमें आप लोगों को खासा अच्छा मोमेंटम दोस्तों मिल सकता है आने वाले दिनों में भी, ठीक है। तो आइए, जो पहला स्टॉक है उसके ऊपर लेके चलता हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, जो आप लोगों के लिए पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक का, इजीली बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। तो इसका भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, 4% की तेज़ी, ठीक है। जो 4% की तेज़ी आप लोगों को देखने को मिल रही है, अगर उसे आप कंपेरिजन करोगे प्रीवियस क्लोज और ओपन से, तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना शानदार मोमेंट रहा। वहीं पर हाई देखिए और लो प्राइस देखिए कितना लगाया था, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोगों को मैं इसका ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में बताता हूँ, तो काफ़ी मोमेंटम बढ़ा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो करीबन 2,80,00,000 का ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में था। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेक में भी देख सकते हो 2,50,000 के समथिंग का था, ठीक है। तो आप लोगों को अब इसका डिलीवरी पैटर्न देखिए, तेज़ी के साथ साथ डिलीवरी पैटर्न, कंपनियां अच्छी है, ब्लू चिप कंपनियां हैं और एक ही डिग्री की कंपनियां हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डिलीवरी भी 1,34,00,000 की, जो कि 48% से ऊपर की है दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो चार्ट है उस पर दिखाता हूँ क्या मोमेंटम आप लोगों को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चार्ट देख सकते हो, चार्ट में लगभग 2 बार बाउंस बैक आया था। एक बार इस पोजीशन पे आप देख सकते हो, एक इस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे सेम वॉल्यूम के साथ आप लोगों को हाई पोजीशन देखने को मिलेगी, और जो रेजिस्टेंट वो सेम देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। सपोर्ट लेवल एक ट्रेंड में ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाइंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से बाई, और यहाँ से मोमेंटम BTST का यहाँ से फिक्स है कि इजीली आपको ये वन साइडेड मोमेंट देगा मंडे को अगर ये ट्रेड होता है। 5 दिन की गिरावट आप देखोगे तो थोड़ी सी गिरावट 2.6 पॉइंट की आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या आप लोगों को मोमेंटम मिल सकता है वो आप लोगों को बताता हूँ, क्या टारगेट और क्या स्टॉप क्लोज आपका हो सकता है, जो वॉल्यूम कैटेगरी है और जो चार्ट पैटर्न पर दिखाया उसके अकॉर्डिंग। लगभग देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा गैप अप ओपनिंग देता है, लगभग अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ 920 पे ये गैप अप ओपनिंग देता है, तो आप इजीली इसको बाय करिए, ठीक है। लगभग 935 का आप टारगेट लेके चल सकते हो, आपको इजीली 1 से 1.5% का इसमें टारगेट मिलेगा, और इंट्राडे में आप लोगों के लिए 1.5% का टारगेट बहुत रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 1% का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है। स्टॉक में प्रॉपर तरीके से रिसर्च हुआ है, टेक्निकल फंडामेंटल देन चार्ट पे जो देखा गया उसके ऊपर, और हाई वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही ये स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट किया है। अब सेकंड स्टॉक के ऊपर आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आप लोगों के लिए सेकंड स्टॉक है वो है मेटल सेक्टर से JSW स्टील। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि मेटल सेक्टर पे काफ़ी तेज़ी, क्योंकि मेटल सेक्टर अब यहाँ से जो भी इंडस्ट्रियाँ हैं वो ओपन होने वाली है मेटल सेक्टर की, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप लोगों को इसमें मिला है। 4% की तेज़ी यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। वहीं पर आप इसका देख सकते हो प्रीवियस क्लोज और गैप अप ओपनिंग देखिए, देन हाई लगाए, लगभग इसने 2% से ज़्यादा का ट्रेड किया था, ठीक है। इंट्राडे मार्केट में ट्रेड वॉल्यूम आप देख सकते हो लगभग 1 करोड़ के ऊपर है नंबर ऑफ शेयर में। वहीं पर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेक में चेक कर सकते हो, 17,00,000 के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोगों को इसका डिलीवरी पैटर्न दिखाता हूँ दोस्तों, तो कुछ इतना खास नहीं, क्योंकि अभी ट्रेडर्सों के नज़र में नहीं आया। जिस प्रकार से ये आप लोगों के धीरे धीरे नज़र में आएगा, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 26,00,000 की डिलीवरी क्वांटिटी, जो कि 25% से 26% तक की देखने को मिल रही है। अब इसके चार्ट पैटर्न पे समझाता हूँ क्या मोमेंटम मिल सकता है।
उससे पहले जो भी ट्रेडर्स है अगर उनको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो दोस्तों। वहाँ पर आपको कुछ खास टिप्स है एंड एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं दोस्तों, जो कि डिलीवरी पे भी, और अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेड करते हो फ्यूचर मार्केट में, उसमें भी आप लोगों को एक शानदार शॉर्ट सेलिंग वाले एंड बाइंग लेवल वाले एक अच्छा स्टॉक आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। चार्ट पैटर्न पे देखिए, जैसे ही मेटल सेक्टर की यहाँ पर खबर आई तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया स्टॉक में, और नीचे से बाइंग भी हुई काफ़ी अच्छी नीचे पोजीशन पे, जिस भी पोजीशन पे यहाँ पर बाय करा होगा और इस पोजीशन पे अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ होगा तो लगभग अच्छी क्वांटिटी, छोटा स्टॉक आप प्राइस देख सकते हो, छोटे स्टॉक के साथ अगर इन पोजीशन पे आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले होगी तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले होगी दोस्तों, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा। मान लीजिए 10,000 भी इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे हो लेवरेज लेके भी आप काम कर रहे हो तो ईजिली आपका एक अच्छा प्रॉफिटेबल निकल के आता है। 5 दिन का आप चार्ट देखिए, 5 दिन में देखिए 10% से ज़्यादा की आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं पर अगर इसी तेज़ी के साथ साथ आप लोगों को टारगेट स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ, क्या मोमेंटम मिल सकता है। चार्ट में तो देखिए कितना शानदार 5 दिन का चार्ट है, अगर 1 दिन का चार्ट आप लोगों को एक बार फिर से दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो ये पोजीशन पे लगभग 12 बजे के समथिंग कितना अच्छा बाउंस बैक आया था इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, छोटा स्टॉक है, अगर आप लोगों को ये 1 रुपये या 1.5 रुपये से ज़्यादा का भी गैप अप ओपनिंग देता है, लगभग अगर मैं इसे 179 से बाय करूँगा दोस्तों, ठीक है, लगभग मेरा 4 रुपये का टारगेट रहेगा तो मैं 83 का टारगेट लेके चलूँगा स्टॉक में। ठीक है, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को 2 रुपये का स्टॉप लॉस ईजिली लेके चलना है, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी पर पोजिशन ले सकते हो। अगर 2 ट्रेड ले रहे हो दोनों स्टॉक में तो आप इन्वेस्टमेंट का अगर 50-50 भी इन्वेस्टमेंट करते हो डेली बेसिस पे तो आप ट्रेड इजीली कर सकते हो और प्रॉफिट भी अच्छा निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों स्टॉक काफ़ी रिसर्च अच्छी टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च के बाद ही प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जिस प्रकार से भी ट्रेड करना है आप लोग आपके हिसाब से भी टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन करके कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को वीडियो क्लोज करते समय यही बोलूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।